गाइस तो अभी हमारा पहला ही दिन है दुबई में, आपको कपड़ों से पता चल ही रहा होगा। बट यार रूम की हालत देखो क्या बना रखी है, जहां पे हम जाते हैं तहस नहस कर देते सती से। और गाइस ऐसे हमारे पास टोटल दो रूम है, ये जो कमरा देख रहे हो ना ये पूरा ऐसा कमरा होता है, यहाँ पर आपको फ्रिज वगैरह सब कुछ मिल जाता है। और दूसरी चीज देखे तो यहाँ पर आपके पास किचन होता है, वॉशिंग मशीन होता है, मतलब आपके पास अपना एक 1 BHK फ्लैट आप टाइप कुछ बोल सकते हो, अपार्टमेंट है। और इसमें आप चाहे कुछ भी करो, अपने हाथों से खाना भी बना सकते हो। तो इसका हमें फायदा उठाना है, क्योंकि गाइस अभी हम जब से है ना ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कुछ 2-3 दिन हो गए, तब से हम पिज्जा बर्गर ऐसी सड़ी हुई चीजें ही खा रहे हैं और खाना भी पड़ रहा है यार। अभी क्या करें, अब उनका जो है वो थोड़ी सी दिक्कत है यहाँ पर इंडियन खाने की, बहुत दूर मिलता है, हम जाना नहीं चाहते क्योंकि ऐसे ऐसे घूमते घूमते ही थक जाते हैं। तो गाइस हमने सोचा आज पिज्जा बर्गर कुछ नहीं खाएंगे, आज देसी चीज बनाकर खाने वाले हैं, चाहे वो चावल ही क्यों ना हो, क्योंकि सब यार थक चुके हैं और छोटू तो कमजोर हो चुका है ना। अब मुझे दोपहर को चक्कर आ रहे थे क्योंकि ये मुझे कुछ ज्यादा पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए मैं खा भी नहीं पा रहा था। तो हमने सोचा आज भाई कुछ भी हो जाए, हम जो वो ग्रोसरी स्टोर पर जाएंगे और सामान खरीद कर यहीं पर अपना कोई इंडियन जुगाड़ू खाना बनाएंगे, जो भी हम बना पाए। जुगाड़ू इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमें प्रॉपर तो आता नहीं है, जो भी बनेगा वो खा लेंगे, बट इंडियन जिसे बहुत याद आती है जब आप आउट ऑफ इंडिया आते हो। हमारे पास है एक धमाकेदार कार की की, जी हाँ गाइस, ये कौन सी कार है वो भी देख लेना, इसे लेकर ही हम जाएंगे। पहले नहीं, ग्रोसरी स्टोर तो बाजू में ही है ना, तो पहले चलकर जाते हैं, हम आपको कार बीच में दिखा देते हैं कि हमने आज कौन सी कार यहाँ पर ली है। फटाफट से चलते हैं गाइस, चलिए फटाफट। पिज्जा से तू बनेगा इससे अच्छा पिज्जा खा लेंगे। अरे नहीं अच्छा बनेगा, मुझे आता है। क्या बनाओगे? क्या बना नहीं पाएगा, मुझे नहीं लगता। नहीं तो सब गाइस ये नहीं बना पाएगा, आलू की सब्जी बना दे। अभी हो गया, मुझे तो नहाने का टाइम नहीं मिला है क्योंकि मैं काफी ज्यादा टायर्ड हो गया था, 2 दिन से नहीं उठे हुए थे। तो यहाँ पर आते ही फर्स्ट डे मैंने सोने का काम किया है। ये सब कुछ ऐसे ही रहेगा, हम कुछ पैक वगैरह नहीं करते, सब कुछ ऐसे खुला रहता है। गाइस यहाँ पर तो ये चीजें होती है, कीलेस होता है, कार्ड आपके पास होता है, ये रख और गुम मत हो जाना, नहीं तो तू भी कर लेगा, ठीक है, वापस से मिलेगा नहीं। दबजा आजा आजा आ गई, चलो फटाफट से जा रही है, मतलब नियरली आप जो 20 सेकंड में 10वें माले से ग्राउंड फ्लोर पर आ सकते हो, बहुत ही फटाफट चलती है यार। देखो आ गई गाइस, अभी मैं आपको हमारी आज की कार दिखाने वाला हूँ, बहुत ही धमाकेदार चीज है यार। बता दीजिए डिफरेंट वाली कौन सी है, सही समझे गाइस, ये है हमारी आज की कार। और हम जो वो सोच रखा है कि इसको 2 दिन चलाएंगे, कुछ अलग अलग कार्स वगैरह ले आएंगे और मैं आपको इसमें बैठ कर दिखाऊंगा। इधर इधर, अरे इंडिया में नहीं हम लोग, यहाँ पर ड्राइवर साइड होती है। वाव, आवाज सुनो, आवाज सुनो, गाइस ग्रोसरी स्टोर मुश्किल से 130 मीटर के आसपास है, पता नहीं कौन सी डायरेक्शन में है बट मिल जाएगा, चलो फटाफट आओ। बाजू में ही था, कुछ ज्यादा दूर नहीं था। अभी हम सामान खरीदने वाले हैं जिससे हम इंडिया का खाना बना पाए। गाइस तो हमें राइस मिले हैं, वो बेक वगैरह तो ले आओ कहीं पर हो। तो यहाँ पे तो काफी अलग अलग टाइप की मैगी है जो इंडिया में देखने को नहीं मिलती हमें। ये टोमियाम, ये टोमियाम, ये बिरयानी मैगी है, यहाँ पर करी मैगी है, बहुत अलग अलग टाइप की चीजें यार। गाइस मेरे हिसाब से हमारे लिए ये सही रहेगी, करी मैगी। यो एंड ये था नेस्कैफे, ये धनिया पाउडर, रॉक सॉल्ट, ये सॉल्टी है ना? हाँ वो तो सॉल्टी। ये धनिया पाउडर नहीं है यार, क्या कुछ भी उठा लेता है। छोटू को क्या लेने के लिए बोलो और वो क्या ले आएगा। ये धनिया पाउडर, ये रहा गाइस, ऑयल की बोतल आ चुकी है। कितने, 2 किलो है, 2 किलो तेल का प्राइस है 400 रुपए के आसपास। यहाँ पर हमने मिल्क भी ले लिया है ताकि हम चाय कॉफी वगैरह होटल पर ही बना सकें। इतना सारा सामान भाई साहब, पूरी ट्रॉली जो भर चुकी है गाइस, पूरी ट्रॉली भरकर सामान लिया है। अभी हम आपको ये कितने में मिला है वो बताएंगे, क्योंकि इंडिया के हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हो हमने कौन से आइटम खरीदा है, तो ये पूरी ट्रॉली भरने में कितना पैसा हमारा लग जाएगा। गैस सब शॉपिंग हो चुकी है और मजेदार बात ये है कि हमारे होटल पर वो डिलीवर कर रहा है, और कितनी जो हमने शॉपिंग करी ना फुल ट्रॉली भरकर वो हो गई। हाँ भाई साहब क्या लंबा चौड़ा बिल आया है, देख लो कितने का वो, पता है 7,000 रुपए का।
गैस देखिए ये चीज सही लगी कि होटल तक आप इसे सब कुछ ले जा सकते हो। गैस दुबई में शॉपिंग करके मजा आया। अरे नहीं मेरा वॉलेट बड़ा है। नहीं वॉलेट बड़ा हो चलता है भाई। लाइट ऑन करो। और जैसा कि हमने बोला ये सब हम खुला छोड़ कर गए थे, ये खुला ही रहता है। ओके और गैस हम रुके जिस होटल में वहां पर पानी की सर्विस इतनी बेकार है तो हमने एक बड़ा सा केन उठा लिया है। इसको फ्रिज में डाल दो। हाँ फ्रिज में डालना। कैसे आएगा बताओ। ऐसे गैस पानी अंदर रह गया और जो ग्रोसरी का सामान अंदर रखना है वो रख देना ठीक है। तो गैस ये था हमारा आज का दिन और यहाँ पर आइए तो दिन ढल गया है। ओके दिन ढल गया है और हमने आज बहुत ही बढ़िया चीज ये करी कि हमने सामान खुद खरीद लिया। अभी खुद बनाकर जो भी मन हो वो खा सकते हैं। बड़ा मजा आने वाला है आगे के दिनों में तो उसके व्लॉग जो आपको कंटिन्यूसली मिलते रहेंगे। घबराना मत गैस। तो जो सामान खरीद कर लाए थे अभी उसका यूज हो रहा है और खाना बना रहा है छोटू। और क्या बना रहा है अभी तो देख रहा हूँ पहले ये सब। इनको पता नहीं, इसको पता नहीं इसको क्या बनाना है। ये कुछ ऐसे सारी चीजें जो प्रोसेस होगा वो करने के बाद में जो बनेगा वो हमें खिलाएगा। इसको पता नहीं ये बना क्या रहा है। पता नहीं चावल बनेगा या फिर कुछ जो भी बनेगा खा लेंगे। कुछ भी खाना ही है अपन को। पिज्जा वगैरह थक गए यहाँ पर डिब्बे रखे हुए हम लोग थक चुके हैं यार बहुत ज्यादा। अभी सिर्फ एक ही दिन हुआ ये बट कोई नहीं। चलो गाइस आपको नेक्स्ट प्रोसेस जो नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगी कहाँ हम घूमने जाते हैं क्या क्या करते हैं वो हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।